हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि कंपनी कानून और सचिवीय लेखे, ये जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। ये यूनिट फर्स्ट के जितने भी सिलेबस में है आपके कंपनी लॉ के, उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज इसमें डाले हुए हैं। जैसे कि आप सिलेबस देख सकते हैं अपना, उसमें कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, टाइप्स ऑफ कंपनीज, मतलब बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो उनसे रिलेटेड मैंने इसमें टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। According to which of the following, the intention of the company is in a group of people who have been organized to serve a common purpose. इसका मतलब ये है कि इसमें से किसी किसके अनुसार ये बताया गया है कि जो कंपनी है उसका मतलब ये है कि व्यक्तियों के ऐसे समूह से है, यानी persons के ऐसे समूह से है, group of people से है, जो कि किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, संगठित होते हैं। तो ये किसने कहा है ऐसा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जज जेम्स ने, न्यायाधीश जेम्स ने का ये कहना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एक मिनट मैं इसको जस्ट हाईलाइट कर देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें, कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी इज अ, यानी कि कंपनी है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी है, स्वतंत्र अस्तित्व वाली बिजनेस एंटिटी है, व्यवसायिक सत्ता है, या फिर एक वर्किंग लूप है, एक कार्यशील पूंजी है, या फिर ट्रेडिंग कंपनी है, वैधानिक अधिनियम है, सॉरी स्टेचुरी का एक्ट है यानी वैधानिक अधिनियम है, या फिर ट्रेडिंग कंपनी यानी कि व्यापार कार्यशील कंपनी है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी। कंपनी क्या होती है? एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली व्यवसायिक सत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो ये 30 अगस्त 2013 को प्रभाव में आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री इन विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी उस देश की नागरिक है जिसमें इसका सम्मेलन हुआ। तो ये कथन क्या सही है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर सिटीजन भी हो सकती है और नॉन सिटीजन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, या फिर इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो आपका सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉइंट कैपिटल कंपनी इज एन आर्टिफिशियल इनविजिबल एंड इनटेंजिबल एंटिटी विच इज लीगल एंड विच इज फॉर्म बाई लेजिस्लेशन। इट मीन्स दैट कि इसमें से बोला गया है कि ज्वाइंट कैपिटल जो कंपनी है एक कृत्रिम अदृश्य और अमूर्त संस्था है, यानी आर्टिफिशियल इनविजिबल और इनटेंजिबल एंटिटी है, जिसका स्वरूप कैसा है, लीगल है यानी वैधानिक है, और जो लेजिस्लेशन के द्वारा फॉर्म की गई है यानी विधान द्वारा निर्मित होती है। तो ये किसका कहना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मार्शल का कहना था। सो इसमें इसका पूरा आंसर आप कह सकते हैं कि अमेरिकन चीफ जस्टिस कौन थे, मार्शल, इन्होंने ही ये सारी बातें बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कौन सा इसमें से कंपनी की विशेषताओं को बताता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है यानी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है, परपेचुअल सेसेशन यानी कि इसकी वैधानिक इकाई जो होती है वो अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी इसकी सेपरेट होती है, परपेचुअल सेसेशन यानी कि इसका अपना अलग अस्तित्व होता है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे के सारे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज द नेचर ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि एक कंपनी संगठन का कैसा स्वरूप हो सकता है। तो जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है, कॉर्पोरेट होगा यानी आगमीय होगा, लीगल पर्सन होगा यानी कि निगमीय होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कॉर्पोरेट।
एक मिनट वेट करें, इसका आंसर ऑप्शन बी है, ना कि कॉर्पोरेट है। वेट, मैं इसको सही कर देती हूँ। लीगल पर्सन होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा लिसनर्स, ना कि ए होगा, कॉर्पोरेट नहीं होगा, इसका आंसर बी सही होगा, यानी कि ये निगमीय है, यानी कि लीगल पर्सन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशूड सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, यानी कि निर्गमित प्रमाण पत्र को किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंपनी बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में आप कहते हैं कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ग्रांटेड टू नेचुरल पर्सन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। मतलब ये है कि नागरिकता अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि एक प्राकृतिक व्यक्ति को जो भी दिए जाने वाले कौन से ऐसे अधिकार है जिनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मूलभूत। तो लिसनर्स ऑप्शन क्वेश्चन जो 9 था आपका, उसका आंसर है ऑप्शन ए, और बी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लिसनर्स इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि जो सिटीजन्स होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स होते हैं और ये सारे के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय भी करते हैं। तो इसमें क्या है कि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है वो ये बताता है 5 वे से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन, है ना। तो ये चीज आपके कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। सो लिसनर्स ये सारी चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 की लाइफ ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कंपनी की जो लाइफ है वो किससे अफेक्ट नहीं होती है, यानी कि बोला गया है कि कंपनी का जो जीवन है इसमें से किससे प्रभावित नहीं होता है। सो ऑप्शंस जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन मैंने दिया हुआ है डेथ ऑफ कंपनी मेंबर्स, नेक्स्ट है आपका ऑन कंपनी बैंक्रप्सी, कंपनी के दिवालिया होने पर, दोनों या फिर कोई भी नहीं। सो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी की लाइफ होती है वो अगर कंपनी मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो भी उसे उस पर इफेक्ट नहीं आता है, और ना ही कंपनी के दिवालिया होने पर, यानी कि जो कंपनी की लाइफ है वो कौन कौन सी चीजों से अफेक्टेड नहीं होगी, किसी के शेयर होल्डर्स के डेथ से भी, डिसेबिलिटी से भी, इंसॉल्वेंसी से भी, और अगर शेयर होल्डर के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उससे भी। आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हो गया है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसका है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन ए एंड कंपनी लिमिटेड केस जो है वो किस कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करता है। तो इसका आंसर है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ऑप्शन बी। तो लिसनर्स इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन और कंपनी क्या प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी क्या होती है, इंडिपेंडेंट पर्सन होती है, और इसमें से जो पर्सन हो सकते हैं वो मेंबर भी हो सकते हैं और क्रेडिटर भी हो सकते हैं। और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि मैंने आपको कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैन बी पियर्स्ड इन केस ऑफ, इसका मतलब है कि निगमीय आवरण का नियम किसकी दशा में उठाया जा सकता है, सब में, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन के तहत जो कंपनी का शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है, जिसको शेयर्स को खरीदा या बेचा जा सकता है मार्केट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सेक्शन 56, ये ई नहीं होगा यहाँ पर, ये सेक्शन 56 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपनी एडवांटेज,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कंपनी के लाभ कह सकते हैं आप? तो सारे सारे, यानी कि कैपिटल रिसोर्सेज एडिक्वेट होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है कि कंपनी इज इन चार्ज, इसका मतलब होता है कि कंपनी का कार्यभार होता है कैसा, बहुत ज्यादा, कम होता है, बहुत कम होता है, या फिर कम मतलब बहुत ज्यादा से थोड़ा सा कम होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेरी मच, यानी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कंपनी ऑफ एग्जिस्ट, इसका मतलब है कंपनी का अस्तित्व तो होता है कैसा, परमानेंटली होता है, स्थायी होता है, टेम्परली होता है, यानी कि अस्थायी होता है, या दोनों होता है, या फिर सारे सारे, इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेचुरी एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज अटेंड, किसके बाद स्टेचुरी एग्जिस्टेंस कंपनी की प्राप्त हो जाती है, वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है? तो एनेक्सेशन के बाद, यानी कि सममेलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच प्रॉपर्टी कैन बी कंपनी होल्ड एज अ मॉर्गेज अगेंस्ट द लोन, इसका मतलब है कि लोन के बदले कंपनी अपनी किन संपत्तियों को बंधक रख सकती है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी को भी रख सकती है और रियल एस्टेट को भी रख सकती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉस ऑफ द कंपनी, यानी कि कौन सी इसमें कंपनी की हानि है? सो इसका आंसर है सभी, यानी कि इंस्टॉलेशन डिफिकल्टी, आप कह सकते हैं रियल एस्टेट। एक मिनट, इसका आंसर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। इसमें जो इंस्टॉलेशन डिफिकल्टी है, ये इसका आंसर सही है, क्योंकि रियल एस्टेट नहीं होगा यहाँ पर। आप प्रोमोटर्स के द्वारा अगर चीट कर लिया गया है, लैक ऑफ प्राइवेसी है, तो ये सारे सारे आंसर होंगे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा सिर्फ। इसमें बाकी के आंसर मैंने स्किप कर दिए हुए हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन डिफिकल्टी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द कंपनी, यानी कि किसे कंपनी के जन्मदाता माने जाते हैं, कौन है, किसको माना जाता है? मैनेजर को, यानी प्रबंधक को, प्रमोटर को, प्रवर्तक को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर रिसोर्सेस को? तो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रमोटर को माना जाता है। तो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सिडरी इज व्हेन द अदर कंपनी, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सब्सिडरी, मतलब ये है कि एक सब्सिडरी कंपनी, यानी कि एक सहायक कंपनी तब होती है जब दूसरी कंपनी। सो इसका ऑप्शन है लिसनर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। डायरेक्ट मैं आंसर्स की बात करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इज फाउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कंपनी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा कंपनी की स्थापना होती है? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, या फिर एनेक्सेशन सम्मेलन के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, या फिर सभी के द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी एनेक्सेशन के द्वारा क्या होती है, स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर बिजनेस, इसमें से कौन सा बिजनेस के लिए सुटेबल है? तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो लिसनर्स, इसमें क्या बताया गया है कि बिजनेस के लिए क्या सुटेबल है, यानी कि व्यवसाय के लिए क्या सही है, उपयुक्त है? तो जहां पर जो रिस्क है और अनसर्टेनिटी है वो हाईएस्ट है, जैसे कि एयरलाइंस हो गई, शिपिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आंसर दे रखा है, जहां पर बिजनेस के प्रमोटर क्या करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी बेनिफिट्स लेते हैं, यानी कि जहां पर व्यवसाय के जो प्रमोटर्स होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी लाभ लेना चाहते हैं। और नेक्स्ट है कि ऐसा व्यवसाय जहां पर जो कैपिटल की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग फर्म हो गई आपकी, जहाज निर्माण हो गया, यानी शिप बिल्डिंग हो गई, ये सारे, तो सारे सारे आंसर इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड, यानी कि भारतीय सहकारी समिति जो है किस एक्ट के अधीन निर्मित की जाती है, किस एक्ट के तहत इसको फॉर्म किया जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक्ट 1912, अधिनियम
1912 के तहत। आई होप इट्स क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ मिनिमम मेंबर नंबर फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि उसका आंसर है, तो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 होते हैं सदस्य। आई होप इट्स क्लियर। सो लिसनर्स, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे 25 क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोर हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।